होगा, कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की मैंने विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती थी। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय। सर आई एम फाइन। एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? सर स्टिल वर्किंग अलोन विद माय 30 वुमेन। इन सच अ शॉर्ट पीरियड यू हैव रीच 30% स्टील? यस सर। टेक केयर ऑफ यू। And now people are familiar with this local style fiber? Yes sir, everyone knows from Manki Bhat Pragya all over India. So now it's very popular. आज मन की बात का 100वां संस्करण था, जो देश में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही उत्सुकता के साथ लोगों ने देखा है। ये पहला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। ये ऐसा लगता है कि मोदी जी हमारे बीच में ही बैठे हमें संबोधित कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि वे ऑनलाइन संबोधित कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बीच ही बैठे हैं और हमें अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, जो भी कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका करूँगा और आप सब मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जी करमजीत कितने? आओ जी करमजीत। मन की बात मन के साथ। आज अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण किया गया। पूरे देश ने उनको बहुत ही गंभीरता से और प्यार से सुना। एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि 100 महीने हो गए और 100 कड़ियों का प्रसारण हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 100 कड़ियों में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया। बार बार अगर संदर्भ आता रहा तो मेरा देश, भारत, भारत माता, अपनी मातृभूमि, मादरे वतन, अपना समाज, अपने लोग और उनके प्रति समर्पण का भाव, यह प्रधानमंत्री जी का संदेश देशवासियों के लिए बार बार जाता रहा। एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम नहीं लिया। देश के उन अनाम जिनको कोई नहीं जानता और जो वास्तव में देश और समाज की सेवा कर रहे हैं, जो वंचितों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, ऐसे देश में काम करने वाले देशभक्तों और देश सेवकों को बार बार उल्लेख करके उनको मान और सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, यह अपने आप में अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अपूर्व है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देशवासियों की तरफ से बल्कि समूचे विश्व की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी परंपरा डाली है जो आने वाले दशकों तक नहीं, शताब्दियों तक जिसका अनुसरण होता रहेगा। और इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर, स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चर्चा की गई, क्या कहना? समाज के जो भी ऐसे विषय जो समाज जीवन में महत्वपूर्ण हैं, एक नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी विषय प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों में उनसे छूटा नहीं है, अछूता नहीं रहा है, जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। और उसमें प्रेरक प्रसंग देश के वो लोग जिनकी उसमें बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे लोगों के उदाहरण दे देकर देशवासियों को प्रोत्साहित किया है और प्रेरित किया है, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय काम है। सबसे बड़ी बात, पार्टी के शीर्ष नेता होने के बावजूद भी पार्टी का जिक्र है, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया गया,
उसके पीछे प्रधानमंत्री जी के हृदय में अपने समाज और देश के प्रति समर्पण के भाव की कूट कूट कर भरी हुई भावनाएं हैं। यही कारण है कि देश सर्वोपरि है, देश सर्वोत्तम है, देश सर्वोच्च है और उनका प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कदम देश को अर्पित है। यही कारण है कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक बात देश के लिए केंद्रित रही है। विपक्ष एक बात हमेशा रखता है कि मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं। उन्होंने अपनी तो एक भी बात नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन की एक भी बात नहीं की, उनकी बात की जो देश की वास्तविक सेवा कर रहे हैं, को आदिवासी क्षेत्रों में हैं, वनवासी क्षेत्रों में हैं, उपेक्षित क्षेत्रों में हैं, वंचित से वंचित। आपने देखा जब देश के सर्वोच्च पारितोषिक दिए जा रहे थे, चाहे वो पद्मश्री था, चाहे पद्म भूषण था, पद्म विभूषण था, भारत रत्न था, किनको दिया गया? जिनके पाँव में चप्पल नहीं, जिनके तन पे कपड़े नहीं, जिनके हाथों में जैसे इतने कठोर हाथ बने हुए काम कर के जिनको कोई नहीं जानता लेकिन समाज जीवन में उनकी बहुत देन है, ऐसे लोगों को वो पारितोषिक दिए गए। और ये भारत में पहली बार हुआ। उनको पता लग रहा है जब प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको फ़ोन जा रहे हैं कि आपको पद्म भूषण दिया गया है, तब उस व्यक्ति को पता लगा कि मुझे दिया गया है। वो कल्पना ही नहीं कर सकते, उनका जीवन ही ऐसा है, उनके पास कोई संसाधन नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, लेकिन उनका जीवन देश के लिए है। ऐसे ऐसे लोगों को उजागर किया। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, अगर किया है तो देश की बात की है और देश की ऊंचाई की बात की है, उसके विकास की बात की है, उसकी उन्नति की बात की है।